नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 5.1 का पांचवां प्रश्न हल करेंगे। तो इस प्रश्न को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो पांचवां प्रश्न है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर हमें एक प्रतिरूप दे रखा है, संख्याओं का पैटर्न दे रखा है, उनका अवलोकन करना है और जो खाली स्थान दे रखे उनको उस पैटर्न के अनुसार भरना है। तो यहाँ पर देखिए 11 है, 11 का स्क्वायर इसने लिख दिया है, एक और एक दोनों तरफ लिख दिया और बीच में दो लिख दिया इसने। इस प्रकार ये एक पैटर्न बनाया है, जो पिछले प्रश्न में भी शुरुआत में ऐसा ही पैटर्न था। यहाँ पर इसने 0 बीच में लिखा है और दोनों एक के बीच में जितने 0 है वो 1, 2 और 1 के बीच में लिख दिए हैं। अब यहाँ से इसमें परिवर्तन आ रहा है, पिछले प्रश्न में और इसमें यहाँ से परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इसने 1, 0, 1, 0, 1 इस प्रकार का पैटर्न दिया है और इसका स्क्वायर इसने निकाला है। जितनी बार 1 आया उतनी बार इसने देखो 1, 2, 3 उसके बाद वापस 2 और 1। तो यहाँ पर बीच में जो आ रहा है 3 आ रहा है, यानी 1 जितनी बार आ रहा है उतना यहाँ पर संख्या अधिकतम हो गई है। तो अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, अब इस संख्या को पहले लिख लेते, इसमें 1 आया है 4 बार, तो इसको लिख लेंगे हम 4 बार 1 ये संख्या, स्क्वायर अब निकालेंगे इसका। तो 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 जितनी बार यहाँ पर 1 आया है उतनी तक हम इस संख्या को बढ़ाएंगे। अब इसको वापस 0 लगाते जाएंगे 1 बीच में और घटते हुए क्रम में 1 तक ले जाएंगे। तो यह इस संख्या का वर्ग का हल आ गया। अब दूसरी संख्या में ध्यान से देखो, इसने हल दे दिया है तो वर्गमूल इसका हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 5 तक आ रहा है बढ़ते हुए क्रम में, 1, 2, 3, 4 और 5, फिर वापस 4, 3, 2, 1 ये घटते हुए क्रम में फिर वापस शुरू होके 1 तक जाता है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 1 आना चाहिए हमारे पास 5 बार। तो अब इसको हल करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 इसका स्क्वायर ये संख्या हो जाएगी, तो ये हमारा हल आ जाएगा। अभी संख्या को भी लिख देते हैं आगे, इस प्रकार ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमें सबसे पहले तो पैटर्न को पहचानना होता है और उसी अनुसार हमें आगे का जो रिक्त स्थान है उनको हल करना होता है। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 5 को हल किया, अगले वीडियो में हम अगला प्रश्न हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।